अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जहाँ जेब मेरा नाम है। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मैं सुपर किस में ऑर्डर बुकर हूँ। काम कैसा चल रहा है? काम मार्केट बहुत स्लो है, बहुत स्लो मार्केट, मार्केट में कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी बनती है, बुकिंग नहीं मिलती हमें। डेली सुबह हमारी क्लास होती है ऑफिस में, बुकिंग नहीं है तो बहुत हमारे हमसे पूछते हैं कि बुकिंग क्यों नहीं है, कहते हैं मार्केट के हालात नहीं है, महंगाई आपके सामने है। ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है वो कामयाब होगी? 8 को भी हुए थे, 8 के बाद क्या हुआ, मजीद महंगाई हुई है। 5 रुपये रोटी सस्ती कर दी है, 100 रुपये गोश्त मुर्गी का महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है और चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। आवाम की और भी सहूलतें हैं जो महंगी हो गई हैं, खाली रोटी 5 रुपये सस्ता करके मियाँ साहब ने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया कि 5 रुपये रोटी सस्ती कर दी है। इसके अलावा और भी चीज़ें, मेडिसिन है जो महंगी हैं, दूध है, गोश्त है, हर चीज़ महंगी है। रोटी सस्ती करके तमाम चीज़ें महंगी कर दी। रोटी खाली, इंसान ने रोटी तो नहीं खानी कि खाली रोटी खानी है, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, किस इलाके के रहायशी हैं? ऐसी इलाके का रहायशी हूँ। यहाँ पर एक बार नून लीग से कामयाब हुई थी मरियम नवाज साहिबा। ये सब फ्रॉड है, ये सब चोर हैं, बड़े से लेकर छोटा, ये सब चोर है, ये आवाम के नहीं है, ये सिर्फ अपने इकतदार और अपनी कुर्सी के हवा जो उनसे ना उसके पीछे है। इसके अलावा आवाम का ये कोई खैर ख्वाह नहीं है, ना तो इमरान खान था, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है कोई। क्या तो आपको क्या लगता है कि अब ज़िमनी इंतखाबात में कौन? कुछ भी नहीं लगता, हम तो इनके हाथों की पुतली हैं, हमें कुछ भी नहीं लगता। करना तो इन्होंने जो करना है, बैठ के इकतदारों में जो बैठे हैं, करना तो इन्होंने, हमने क्या करना, हमने तो कुछ भी नहीं करना, हमने थोड़ी देर अफसोस करना है, फिर वही काम है हमारा उसी तरीके से। गोश्त 700 करेंगे, 750 करेंगे, हम लोगों ने तब भी लेना है। रोटी आज 25 की है, कल 35 की होगी, तब भी लेनी है हमने। ये हमने, हमारे साथ ये ऐसे ही होना है, वो हम अपने आप को खुद नहीं बदलना चाह रहे, हम लोग इनके पीछे लग जाते हैं। इन लोगों को बायकॉट करें ना इनके साथ, सब बेहतर हो जाएगा। तो पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर आप? कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों का फ्यूचर, हम पे कर्जे हैं जो हमने कर्जे उतारने, हमारे हम पे है, हमारे बच्चों पे है, और क्या है, कुछ भी नहीं फ्यूचर हमारा। सही है।